विनोद जी, मैं आज आपको लग रहा होगा कि बड़े गुस्से में बात कर रहा हूं। ये गुस्सा नहीं है, दरअसल एक आक्रोश है जो निकलना चाहिए। क्या इसी दिन के लिए इस संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया था कि लोग ये कहें कि संसद के अंदर कातिलाना हमला हो रहा है और जो कातिलाना हमला कर रहा है उसके खिलाफ वेंकैया नायडू जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, FIR दर्ज नहीं कर रहे, उनको जेल नहीं भेज रहे, और यह कहा जा रहा है कि सरकार को धमकियां दी गई हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके साथ लोगों की पिटाई की है। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा, कौन सच है इसमें? देखिए आशुतोष, चूंकि संसद के राज्यसभा के अंदर जब ये घटनाएं हुई हैं तो ना आप वहां थे ना मैं वहां था, इसलिए सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है तो नहीं कह सकते। वो तो तभी पता लगेगा जो सारा फुटेज, चूंकि जब भी कार्यवाही होती है और कोई ऐसा अशोभनीय दृश्य उपस्थित होता है तो प्रसारण तो रोक दिया जाता है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं रोकी जाती है, रिकॉर्डिंग होती है ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में। तो वो अगर सारा फुटेज सामने आए या कोई कमेटी देखे या कोई जांच जिसको सभापति जो है जांच का आदेश दें वो देखे, और तब सच्चाई सामने आएगी कि गड़बड़ी कहाँ से हुई, गलती कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई और पहल किसने की, हाथापाई की। अब अलग अलग पक्ष हैं, विपक्ष का पक्ष हम सब ने सुना कि राहुल गांधी ने कहा कि हमको पीटा, सांसदों को पीटा गया, संजय राउत ने कहा कि लगता है जैसे हम पाकिस्तान की सीमा पर हैं, इस तरह से उन्होंने कहा, मनोज झा ने बड़े आक्रोश में बताया और भी सांसदों ने बताया, उधर सरकार के 6 और 7 मंत्रियों ने विपक्ष पर बुरा दोष मढ़ा। मूल बात यह है कि हिस्ट्री आई क्यों? चलिए ये तो फुटेज से पता लगेगा कि ये मारपीट हुई, जो धक्का मुक्की हुई, खींचातानी हुई, नोचा चोटी हुई या जो घटनाएं हुई, आसंदी पर लोग चढ़े कि नहीं चढ़े, ये सब तो फुटेज से पता लगेगा। लेकिन ये स्थिति आई क्यों, ये यहां तक मामला पहुंचा क्यों कि जिन सांसदों को एक धीर गंभीर बहस करनी चाहिए मुद्दों पर वो इस स्तर पर आ गए या मार्शल आकर के उनको करने लगे, हटाने लगे, धक्याने लगे। जहां तक मार्शल की भूमिका की बात है तो हमने जब जितना कवर किया है विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा को, उसमें मार्शल जब भी कभी कोई सांसद वेल में जाते थे या बैठ जाते थे, धरना देते थे, तो मार्शल आगे बड़ी इज्जत के साथ उनको जो है पहले उनसे अनुरोध करते थे और फिर उनको पकड़ करके बाहर ले जाते हैं, गोदी में उठा करके राजनारायण जी को ऐसे ले जाया जाता था और भी सांसदों को ले जाया गया। लेकिन आज जिस तरह से मार्शल और सांसदों के बीच में जो दृश्य था वो निश्चित रूप से कल्पना से परे था, हम लोगों ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। पुलिस तक विधानसभाओं में घुसी है, हमने देखी है, उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तर प्रदेश में तो खून खराबा तक हुआ है जब वो सपा बसपा के और भाजपा के सांसद विधायकों के बीच में हुआ है, बड़ा अशोभनीय दृश्य था। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इस हद तक तो ये नहीं था। पिछली बार जब महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था और हामिद अंसारी सभापति थे, उस समय कुछ शीशे टूटे थे और कुछ सांसदों ने जरूर जो है बिल फाड़ा था, तो उसको लेके बड़ा कुछ सांसद निलंबित भी किए गए थे और फिर सारे पक्षों ने मिलकर के भविष्य में ऐसा ना करने का आश्वासन दिया था, तब उनका निलंबन वापस हुआ था। लेकिन आज की जो ये जो घटना जो है हुई है तो ये तो मतलब निश्चित रूप से बहुत ही, इसके लिए शब्द क्या है, आपका आक्रोश, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, वो एक ऐसे भारतीय नागरिक का गुस्सा है जो अपेक्षा करता है कि जिनको वो चुनता है चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो वो वहां जाकर उनके मुद्दे उठाएं, उनकी बात करें और विरोध भी दर्ज करना हो तो विरोध विरोध के तरीके सलीके से दर्ज करें। लेकिन आज का तो विरोध तो न वो सड़क का विरोध था, क्या विरोध था मैं कह नहीं सकता। मूल बात मुझे लगता है इसमें जाने की जरूरत है कि ये स्थिति बनी क्यों, ये नौबत आई क्यों, आखिर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में अविश्वास की खाई इतनी गहरी क्यों हो गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। आपको याद करिए कि मतलब जो है लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष विपक्ष के बीच में व्यंग्यवाण चलते थे, चुटीले हमले होते थे, एक दूसरे पर तमाम तरह से और कटाक्ष किए जाते थे, लेकिन हाथापाई की नौबत इस तरह आकर के, ये तो मतलब मैंने भी अपने संसदीय पत्रकारिता के दौर में कभी नहीं देखा। शरद पवार जी का तो 55 साल का संसदीय जीवन है लेकिन हम लोगों का भी कम से कम 2-3 दशक का जो है विधानसभा और संसदों की कार्यवाही को 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है, तो हम लोग इस तरह का सीन नहीं देखा। कुछ अपवादों को छोड़ करके, उत्तर प्रदेश विधानसभा का अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी जो है कम से कम लोकसभा राज्यसभा में ऐसा दृश्य नहीं देखा गया और ये बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, बट शरद जी मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कहे कि कातिलाना हमला हुआ, उन्होंने यही कहा कातिलाना हमला हुआ, अगर कातिलाना हमला हुआ तो मेरा सवाल यह है कि फिर चेयरमैन साहब कर क्या रहे हैं? जिन्होंने कातिलाना हमला हुआ इसका मतलब किसी ने कातिलाना हमला किया होगा
और अगर कातिलाना हमला किया है तो जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से स्पीकर और चेयरमैन सीधे आदमी को जेल भेज सकते हैं और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो जेल क्यों नहीं भेज रहे उस शख्स को? या तो पीयूष गोयल साहब सच बोल रहे हैं या वेंकैया नायडू जी जो राज्यसभा के चेयरमैन साहब हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे। मैं जानता हूं जो बात मैं कह रहा हूं संसद के स्पीकर और चेयरमैन साहब को बहुत खराब लगेगी, लेकिन हकीकत यह है अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर के कातिलाना हमला हो रहा है और कातिलाना हमले होने के बाद जिन्होंने कातिलाना हमला किया अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या कहा जाएगा? शरद जी देखिए, संसद की कार्रवाई अपने आप में संविधान से सुरक्षित है, उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसमें संसद की कार्रवाई में कोई अदालत दखलंदाजी नहीं कर सकती। तो ऐसे में अगर चाहें तो अपने आप स्पीकर या राज्यसभा के सभापति खुद ऐसे लोगों को सामने बुला के दंडित कर सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर किए जा रहे हैं। विपक्ष शुरू से हंगामा कर रहा था और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि विपक्ष हंगामा कर रहा था किसी विषय पर। भाई 2G के मामले पे पूरा का पूरा सत्र भाजपा ने ठप कर दिया था, तब इस तरीके के दृश्य नहीं आए थे, तब इस तरीके से धक्का मुक्की करके शोर के बीच में संसदीय कार्रवाई नहीं चलाई गई थी। अगर शोर होता था तो 5-7 मिनट के बाद उसको शांति से स्थगित कर दिया जाता था कि नहीं भाई इस माहौल में कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये जो संसद है, इस संसद में लगातार हम देख रहे हैं पिछले 7 वर्षों से कि अगर विपक्ष किसी बात पे अपनी बात रखना चाहता है, लॉबी में आता है, तो लॉबी में विपक्षी सांसद नारे लगाते रहते हैं और संसदीय कार्रवाई चलती रहती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं मंत्रियों द्वारा, उसके बीच में जीरो आवर भी हो जाता है और वो अपने नारे लगाते रहते हैं। ये इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ था। तो चूंकि ये पहले से ही शुरू से ही डिरेल हो गई संसदीय प्रक्रिया, जिस तरीके से संसद चलती थी, और संसद चलती है ट्रेडिशन से, रूलबुक से, रूलबुक के से कहीं ज्यादा वो परंपरा से चलती है कि पहले तब ऐसे हुआ था उसके बाद ये हुआ तो हम उसी परिपाटी को पालन कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो परिपाटी अब पड़ रही है कि इससे पहले कभी इस तरीके की परिपाटी पड़ी नहीं थी। ये विधानसभाओं में जरूर हुआ कि हंगामे हुए, मारपीट हुई, एक दूसरे पे माइक चलाए गए, सर फूट गए, जूते फेंके गए। ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कई कई राज्यों में ऐसा हुआ है, लेकिन संसद बहुत ही एक मर्यादित तरीके से चलती रही। संसदी अपनी परंपराएं इसलिए भी सैक्रोसेंट है क्योंकि पूरे दुनिया की निगाह संसद पे होती है जी, ये विधानसभाओं पे इतनी नहीं होती है। लेकिन जब आप धक्का मुक्की करके संसद चलाने की कोशिश करेंगे, विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष का यही कहना है कि भाई संसद के आप अंदर आप हमारी बात सुनते नहीं हैं, हम चाहते हैं किसी विषय पे बहस हो, आप बहस करने को तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है, आप हमारी बात, हमारे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। विपक्ष बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है कि सरकार ये बता दे कि क्या किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। अगर नहीं खरीदा तो ये जिन लोगों की फोन की फॉरेंसिक जांच हुई है और उसमें पेगासस के रेमिनेंट्स पाए गए हैं तो आखिर ये पेगासस कहां से आया। तो इन सवालों के जवाब, ये दो ही तीन सवाल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, तो लेकिन सरकार इनके जवाब देने को तैयार नहीं, वो उल्टे विपक्ष पे आरोप मढ़ रही है कि विपक्ष को जनता से जुड़े हुए महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दों की चिंता नहीं है और वो बात पेगासस की कर रही है, जिससे तो ये अपोजिशन से सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार से तो मीडिया भी सवाल नहीं कर रहा, सरकार से विपक्ष तो सवाल कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।